लेके आए, प्राइवेट डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, लैंड ओनर्स, उनके साथ जॉइंट वेंचर हम करने जा रहे हैं, उसके भी दो तीन मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं, और अब तक दर्जनों बीसियों जो डेवलपर्स हैं उन्होंने हमारे साथ राबता किया है कि हम आपके साथ मिलकर इस काम में हुकूमत का जो है हुकूमत के मददगार हो सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी फॉरेन इन्वेस्टर्स और फर्में जिसमें चाइनीज़ हैं, यूके बेस्ड हैं, इटालियन हैं, इस तरह की भी दर्जनों फर्में जो हैं वो रबते में हैं और उनके साथ बातचीत हमारी आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह आइंदा एक डेढ़ माह के अंदर मेरा ख्याल है कि पंजाब के तूलवर्ज़ में कोई 2 लाख के करीब यूनिट जो है वो प्रैक्टिकली शुरू हो जाएंगे और हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2019 तक पूरे पंजाब के अंदर ये सब लोग मिल के हम तकरीबन 5 लाख यूनिट जो हैं उनके ऊपर काम शुरू करवा देंगे। हमारे यहाँ जो एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इंतहाई गरीब लोग के जो शायद कर्जा लेके बैंक की किस्त देने की इस्तेआत भी उनके अंदर नहीं है, उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 5 अरब रुपए के कर्ज़े हसना वो रखा है और हमारी ये कोशिश है कि उसमें इंक्रीमेंटल हाउसिंग के ऐसे अफराद शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर जिनके पास 1, 2, 3 मरले का कोई प्लॉट मौजूद है या जिसने अपने उस प्लॉट के ऊपर एक आध कमरा बना लिया है और अपना घर मुकम्मल करने की सकत उसके अंदर नहीं है, तो उसको हम 5 लाख रुपए तक बगैर इंटरेस्ट के उसे ये कर्ज देंगे और वो 5 सालों में एक साथ के अंदर वो कर्ज हुकूमत को वापस करेगा। ये एक तरह का आइंदा के लिए एक रिवॉल्विंग फंड जो है वो कायम हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट जो इस तरह के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो काम है ये भी 1 मार्च से अमली तौर पर ये काम भी शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह कौम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया है उस वादे को इफ़ा करने के लिए हम हर तरह की मेहनत कोशिश वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। कोई सवाल? सर ये है कि चिन्योट के अंदर आप हाउसिंग स्कीम जैसे बना रहे हैं लेकिन अफसोसनाक है 2009 से जब ये डिस्ट्रिक्ट बना है ना तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है, ना ही यहाँ पे जेल है, ना ही यहाँ पे साफ सफाई है, ना ही यहाँ पे प्रेस क्लब के लिए कोई प्रॉपर कोई जगह है, इस तरह ऐसी कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे जितने भी आते हैं ऑफिसर उनके लिए यहाँ पे रेस्ट गाहें तक तो है नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल यहाँ पे सरकारी मारते हैं सारी शेख फैमिली की तरफ से दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से ना पीछे कोई दिया गया ना अब तक इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो अपना एक प्रायोरिटी प्रोग्राम जो है वो बनाया हुआ है एजुकेशन के हवाले से भी और हेल्थ के हवाले से भी, इसके ऊपर ये अगर उस प्रायोरिटी के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, मुझे अब नहीं पता कि हाउसिंग ये हेल्थ और एजुकेशन की क्या पोजीशन है, अलबत्त ये जो हम हाउसिंग दे रहे हैं यहाँ बना रहे हैं। मियां महमूद रशीद चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करें।